Okay, so hello students, welcome to the Pharma Knowledge channel. Today's lecture we are going to discuss about PC means pharmaceutical chemistry. First chapter is the introduction of pharmaceutical chemistry, जो आपका new syllabus है डी फार्म का. ओके, सो डी फार्म फर्स्ट ईयर का जो सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री. ओके, सो उसका जो फर्स्ट चैप्टर है, आपको अभी न्यूली ही फर्स्ट चैप्टर आपने देखा होगा, तो आपको मालूम होना चाहिए फर्स्ट चैप्टर में क्या क्या है. ओके, सो टूडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, दैट मीन्स इन दैट स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्रीज, देन इंट्रोडक्शन ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. The next point is the importance of inorganic pharmaceuticals, okay, and then scope of pharmaceutical chemistry, clear. And last point is the objectives of pharmaceutical chemistry, clear. So आज के लेक्चर में हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे. ओके, अगर आप देखोगे कि एक पॉइंट कहाँ के है, अगर आपका सिलेबस देखोगे आप, तो सिलेबस में स्टार्टिंग में आपको ये पॉइंट्स दिखेंगे. मीन्स एट चैप्टर, एट आवर्स का एक चैप्टर है, मीन्स ज़्यादा वेटेज का चैप्टर है. तो स्टार्टिंग में आपको सिर्फ स्कोप, ऑब्जेक्टिव, देन इम्पोर्टेंस, ओके, इस टाइप के क्वेश्चन होंगे उसके ऊपर. सो स्टार्टिंग में 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन होता है इंट्रोडक्टरी पार्ट के लिए. सो अगर आप सिलेबस कॉपी देखोगे इसका, ये आपका सिलेबस कॉपी है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री 1. ओके, सो ये आपका फर्स्ट चैप्टर है फार्मास्यूटिकल, इंट्रोडक्शन ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, क्लियर. 8 आवर्स का ये चैप्टर है, मीन्स ज़्यादा वेटेज का चैप्टर है ये. सो इसमें देखो नंबर ऑफ पॉइंट्स यहाँ पे आपको दिए हैं सिलेबस कॉपी में. सिलेबस के बाहर का नहीं आता है आपके एग्जाम में या फाइनल एग्जाम में. ओके, सो जो भी सिलेबस कॉपी में मेंशन है वो आपको स्टडी करना है. तो यहाँ पे देखो स्कोप है, ऑब्जेक्टिव्स है, देन सोर्स एंड टाइप ऑफ एरर्स, एक्यूरेसी, प्रिसीजन, सिग्निफिकेंट फिगर. वन बाय वन हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, क्लियर. सो ये आपका सिलेबस, जैसा सिलेबस है वैसा ही मैंने यहाँ पे आपको वीडियो बना के दिया है, ये जो कि इजी नोट्स भी यहाँ पे हैं. ओके, सो चलिए फर्स्ट पॉइंट देखते हैं. फर्स्ट चैप्टर का इज अ स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री. ओके, सो फर्स्ट पॉइंट, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द केमिकल, बायोकेमिकल एंड फार्माकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द ड्रग. ऑब्वियसली फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री हम सब्जेक्ट है हमें, तो उसका डेफिनेशन पता होना चाहिए. सो इट इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री का ही ब्रांच है. ओके, विच डील्स विद द स्टडी ऑफ केमिकल्स, बायोकेमिकल्स एंड फार्माकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ ड्रग्स, क्लियर. नाउ सेकेंड पॉइंट्स, इट इंक्लूड्स सिंथेसिस. अब इसमें क्या क्या सीखना है हमें फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में, हमें क्या क्या सीखना है, तो वो भी यहाँ पे दिया है. ओके, सो फर्स्ट पॉइंट इज इट इंक्लूड्स सिंथेसिस, आइसोलेशन. सिंथेसिस मीन्स अगर आप नंबर ऑफ ड्रग्स सिंथेसाइज करने वाले हो, ओके, दैट मीन्स पैरासिटामोल है, आइबुप्रोफिन है, जो भी कॉमन ड्रग है, ओके, दैट इज अ सिंथेसाइज. देन आइसोलेशन है, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है, स्ट्रक्चरल एलुसिडेशन है, देन स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन है, स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप है, सार है, सार मीन्स उसका शॉर्टकट है, ओके, स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप है. ओके, मीन्स फॉर एग्जाम्पल पैरासिटामोल में अमाइनो ग्रुप है, ओके, कीटोनिक ग्रुप है, तो वो ग्रुप का उसमें क्या मींस क्या एक्शन दिखाता है, अमाइनो ग्रुप क्या एक्शन दिखाता है पैरासिटामोल में, इस टाइप से. ओके, सो दैट इज दिस सार. देन नेक्स्ट वन, स्टडी ऑफ द केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, बायोकेमिकल चेंजेस एंड आफ्टर द ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एंड देयर फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स, क्लियर. मीन्स जो भी बायोकेमिकल चेंज है, ओके, दैट मीन्स एसिड बेस का जो रिएक्शन है, अगर आप किसी अदर केमिकल के साथ रिएक्ट करोगे तो क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा, दैट इज अ केमिकल रिएक्शंस. ओके, सो ये डिटेल हमें देखना है. सो दैट इज द स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री. नेक्स्ट पॉइंट इज अ इंट्रोडक्शन ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. अब ऑर्गेनिक अलग होते हैं, इनऑर्गेनिक अलग होते हैं, राइट. सो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन क्या है. फर्स्ट वन, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ ऑल द एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स एक्सेप्ट कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स. व्हाई? बिकॉज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स आर ऑल्सो स्टडी इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. कार्बन हाइड्रोजन का स्टडी हमने कहाँ पे देखा है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, राइट. सो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मीन्स वॉट? स्टडी ऑफ ऑल एलिमेंट्स, जो भी ऑल एलिमेंट्स है एक्सेप्ट कार्बन. ओके, मीन्स अदर नाइट्रोजन है, हैलोजनेटेड एटम है, ऑक्सीजन है, राइट, एंड देयर कंपाउंड्स एक्सेप्ट कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स विच इज स्टडी अंडर द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री.
Clear? So this is the simple definition of inorganic chemistry. Then inorganic chemistry describes the characteristics of substances such as non-living matters and minerals. Okay? सो सिंपल यहाँ पे पॉइंट दिए हैं जो कि आपको इजीली समझ में आएंगे इंट्रोडक्टरी पार्ट में. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज विच आर फाउंड इन द अर्थ एक्सेप्ट द क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. देन ब्रांचेस ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इंक्लूड द कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, बायो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स एंड द सिंथेटिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. इन अ शॉर्ट, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द inorganic compounds which compounds all elements. Clear? The next, in other words, it is this chemistry of a compounds that do not contain hydrocarbon radicals. Obviously, why? Because radical already studied in a organic chemistry. Clear? The next line. Now, next and important point, importance of inorganic pharmaceutical, जो कि 2 marks के लिए question होता है आपके exam में. Okay, so this is the important for the exam point of view. So what is the importance? First point, inorganic pharmaceuticals are useful in any of the following ways. So first one, useful medicinally for their therapeutic purpose. For example, astringent and antimicrobials. Okay, so astringents and antimicrobials are also used medicinally. Then useful as a pharmaceutical aid. Pharmaceutical aid means जो भी pharmaceutical आप use करते हो. Okay, for the treatment of number of diseases. For example, bentonite है, talc है, जो कि हम powder form में use करते हैं. The next line, to change the reaction of the body fluid. Then to acidify or alkalize. Example, antacid है. Okay. अल्कलीज हैं, मिनरल एसिड्स हैं. एंटासिड मीन्स जो भी हम एसिडिटी के लिए यूज करते हैं. सो ऑल एंटासिड्स आर द इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ओके, सो एसिडिटी हमें कम करना है. मीन्स HCl, जो भी डाइलोट HCl है वो कम करना है हमारे स्टमक में से. सो एसिडिटी कम करने के लिए हमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड है. ओके, देन HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, नंबर ऑफ एसिड्स है जो कि हम एज एंटासिड करके यूज करते हैं. क्लियर? सो दिस इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट. The next importance of inorganic chemistry. Okay, so replacing or replenishing the normal content of a body fluid. For example, sodium, potassium, calcium, chloride and phosphate means जो भी electrolytes है, so उसका main role है. Okay, जो भी electrolytes means sodium है, potassium है, calcium है, chloride है. Okay, so these are the body fluid, no? So it is an important useful as a reagents to carry out the reaction. For example, catalyst, then oxidizing agent, reducing agents. उसके example दिए हैं. Catalyst important है, oxidizing agent है, reducing agent है. The next line, it is useful in a pharmaceutical analysis. For example, titration such as a potassium permanganate. So inorganic substance or compounds are important or useful in a pharmaceutical analysis. Example, titrant. Titrant means what? जो भी टाइट्रेशन में हम जो टाइट्रेंट यूज करते हैं, जो कि फर्स्ट फॉर्म होता है. ओके, जो कि मेजर क्वांटिटी में होता है, दैट इज अ टाइट्रेंट. टाइट्रेशन क्यों करते हैं? फॉर डिटरमाइन द अननोन कॉन्सेंट्रेशन. आपको अभी समझ में नहीं आएगा, ये प्रैक्टिकल में है आपको. ओके, सो दिस इज द लास्ट पॉइंट. क्लियर? सो कोई भी 4 पॉइंट सफिशियंट है आपको एग्जाम में अगर 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है तो इम्पोर्टेंस के लिए. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज अ स्कोप ऑफ inorganic chemistry. So what is the scope? Identify the drug in the formulated product, then determination of active ingredient or additional impurities, then stability of the drug, rate of the drug from the formulation, identity on purity of drug that meets specification, then concentration of specified impurities, concentration of drug in a plasma or biological fluid, determination of a pk value, partition coefficient, solubility and stability of the drug under the development, and then next. Okay, so finish. यहाँ पे अभी आपको समझ में नहीं आएगा what is scope of pharmaceutical chemistry. ये in detail जो भी यहाँ पे test दिए है, identification है, purity है, clarity है, पार्टीशन कोएफिशिएंट है, पीके वैल्यू है, स्टेबिलिटी है, सोल्युबिलिटी है, ऑल आर स्टडीड इन अ प्रैक्टिकल. जो भी प्रैक्टिकल्स है आपको. ओके, सो प्रैक्टिकल में आप देख लेंगे. देन नेक्स्ट पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री. ओके, सो व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स?
Okay, now coming towards the objectives. So pharmaceutical chemistry, okay, pharmaceutical analysis is the subject, okay, which deals mainly with the quantitative analysis of these chemicals and dosage form associated with the practice of pharmacy. Obviously, inorganic chemistry generally quantitative analysis jada hai, quantitative. Okay, determination of unknown concentration, that's why it's an quantitative analysis. Then next point, learn the various tools and techniques available for the analysis of the drug, impurities, testing and basis quality control test. Clear? The next line, chemical classification. So what is the chemical classification? Chemical name. Okay, chemical structure, chemical classification, chemical name and chemical structure. So, ये तो हम हर किसी drug का देखने वाले हैं, उसका chemical structure क्या है, chemical classification क्या है, okay, then chemical name क्या है, okay, chemical name and IUPAC name जो कि अलग होता है, common name अलग होता है, okay, so depending upon the chemical हम ये study करने वाले हैं. Then next line, learn the various tools and techniques available for the analysis and analysis of drug, impurities, testing and basic quality control test. Then chemical classification, in that chemical name, chemical structure, then pharmacological uses, dose, stability and storage condition, then principle of various conventional analytical techniques, expression of various concentration and preparation. Okay, that is the monograph, objective or a monograph. Then next line, principle of various conventional analytical techniques, expression of various concentration and preparation, then applications of a pharmacopeial purity and identity test and for various drugs and inorganic compounds. And last point is the different types of formulations, dosage form available and their brand name. अब ये सब क्या है ऑब्जेक्टिव्स में, ऑब्जेक्टिव आपको समझ में आना चाहिए कि उसमें अगर कोई ड्रग है, फॉर एग्जांपल अमोनियम क्लोराइड, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, देखो तो HCl को आपको इन डिटेल मोनोग्राफ स्टडी करना है. मोनोग्राफ मीन्स रिटर्न स्टडी. इन दैट फार्माकोलॉजिकल यूजेस, केमिकल नेम, केमिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी, स्टोरेज कंडीशन, ओके, देन टेस्ट, इम्प्यूरिटी टेस्ट, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, हर किसी इनऑर्गेनिक ड्रग का इन डिटेल हमें मोनोग्राफ्स देखना है. क्लियर? सो दैट इज अ सब्सटेंस और कंपाउंड्स ऑफ इनऑर्गेनिक ड्रग्स. क्लियर? सो दिस इज द ऑब्जेक्टिव. नाउ नेक्स्ट लेक्चर में हम सोर्स एंड टाइप्स ऑफ एरर देखेंगे, जो कि आपका नेक्स्ट सब पॉइंट है. अगर आप यहाँ पे सिलेबस देखोगे तो सिलेबस में ये पॉइंट है, इम्प्यूरिटीज ऑफ इन अ फार्मास्यूटिकल फार्मास्यूटिकल्स. ये थर्ड पॉइंट है. सेकेंड पॉइंट है सोर्स एंड टाइप्स ऑफ एरर, जो कि इम्पॉर्टेंट है एरर का पॉइंट, ओके, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. ओके, सो ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, देन स्कोप ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, ओके, देन नेक्स्ट वन इज इम्पोर्टेंस ऑफ इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल्स एंड इंट्रोडक्शन ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑलरेडी स्टडी, राइट. तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.